तो आज हम नमाज न पढ़कर नहीं डरते हैं। नमाज पढ़कर डरने वाले लोग थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला एक मरतबा फजर की अजान हो रही है, रो रहे हैं। हजरत फातिमा हजरत अली की बीवी है, कहा मेरे शौहर आप रोते क्यों है, मेरे शौहर आप रोते क्यों है, रोने की वजह क्या है। हजरत अली ने फरमाया मेरी बीवी फातिमा ये तो मेरा और अल्लाह का मामला है, उसमें तुझे शरीक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हजरत फातिमा हमारे आका की लाडली बेटी है, कहती है नहीं अल्लाह के लिए मुझे बतला दीजिए, अल्लाह के लिए मुझे बतला दीजिए कि आप रोते क्यों हैं। उस वक्त हजरत अली ने फरमाया मेरी फातिमा मैं रोता इसलिए हूँ कि देखो ये सुनो हजरत बिलाल की अजान आवाज़ आई है, अजान की आवाज़ कानों में आई है और अभी मुझे उस हस्ती के पीछे नमाज पढ़नी है जिस हस्ती से बढ़कर अल्लाह की कसम दुनिया में कोई इंसान नहीं है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मुझे नमाज पढ़नी है, लेकिन मेरी फातिमा मैं रोता इसलिए हूँ कि कहीं मैं मेरे महबूब के पीछे नमाज पढ़ूंगा अल्लाह मेरी नमाज को कबूल करेगा या मरदूद कर देगा, अल्लाह मेरी नमाज को कबूल करेगा या मेरे मुंह पर मार देगा, इस खौफ से मैं रोता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो लोग नमाजें पढ़ पढ़कर रोते थे और ऐसे इमाम के पीछे जिससे बढ़कर दुनिया का कोई इमाम नहीं हो सकता उसके पीछे नमाज पढ़कर रोते थे। और आज हम लोग नमाज न पढ़कर नहीं रोते हैं। हजरत फातिमा पूरी पूरी रात नमाज में गुजार देती है, सुबह में फजर की अजान की आवाज आ गई, दो रकात पर सलाम फिरा, अल्लाह से दुआ करती है अल्लाह तूने कितनी छोटी रात बनाई है कि अभी तो दो रकात की नियत बांधी थी और पूरी रात खत्म हो गई।